सवाल ये किया है कि 2023 IRS कब भर सकते हैं। तो जो IRS होती है उसको सबमिट करने का जो टाइम होता है उसके लिए आपको 3 महीने दिए जाते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आपके पास ये टाइम होता है जिसके अंदर आपने ये डिक्लेरेशन जो है वो सबमिट करनी होती है। तो आज 1 अप्रैल है, ये टाइम स्टार्ट हो गया और आप आज से लेकर 30 जून तक किसी भी टाइम IRS जमा करवा सकते हैं ऑनलाइन। IRS होता क्या है? IRS जो होता है आपके टैक्स रिटर्न्स होते हैं, जो भी आपने इनकम और एक्सपेंसेस किए होते हैं पूरे साल के अंदर पिछले, वो आपने डिक्लेयर करने होते हैं, गवर्नमेंट को बताना होता है और उसके बाद गवर्नमेंट उस पर से डिसाइड करती है कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के हिसाब से आपकी जो या तो आपको पेएबल होते हैं गवर्नमेंट की जानिब से या आपने गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार सेट की हुई है कि कितने काम पे कितना टैक्स और कितने एक्सपेंसेस हैं। तो हमेशा लोगों को एडवाइस करते हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी इनकम यहाँ पे जनरेट हो रही है, तो आप कोशिश किया करें कि अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी शो लाजमी करें, अपने निफ़ नंबर का इस्तेमाल लाजमी करें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, डेली टू डेली आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बाद में आपके लिए फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो टाइम स्टार्ट हो गया है, आप लोग 30 जून से पहले पहले अपनी IRS को सबमिट कर सकते हैं।